Assalamualaikum, एक और ब्लॉग में खुश आमदीद। कैनेडा की गलियों में से आपको हम सलाम भेजते हैं। यहाँ से जुम्मे का वक्त होने जा रहा है और बहुत कम टाइम रह गया, तो मैं निकला हूँ तेजी तेजी में और पहुँचते। गर्मी हो रही है टाइट, 33 डिग्री सेंटीग्रेड। ओह सुभानअल्लाह, गर्मी पसीने वाली हुई भी है। तो मस्जिद पहुँच के देखते हैं, रेसें लगी हुई हैं, टाइम शॉर्ट है, जुम्मे की चौथी जमात में हम पहुंचना चाह रहे हैं। कभी कभी ऐसे मोमेंट्स में ना मुझे ख्याल आता है कि काश मेरे पास एक हेलीकॉप्टर होता और मैं शूं करके पहुंच जाता मस्जिद। डेजला हट गई, पार्किंग चेक करें मैंने कहाँ कोने में गाड़ी लगाई है। सुभानअल्लाह, इस प्लाजे में अलाउड नहीं है जुम्मे के लिए। और ये जो कोने की पार्किंग है पूरी लॉट, ये किराए पे ली हुई है मस्जिद ने ताकि लोग पार्क कर सकें। तो जल्दी में मिल नहीं रही थी पार्किंग, तो मैंने बोला यही कोना सही है इन दो गाड़ियों के बीच में। चलते हैं, थोड़ी सी ग्रॉसरी आइटम्स मिसिंग थे। कल मैं लेके गया था यहाँ, पार्क फूड आया था, ग्रॉसरी लेके गया था, मगर कुछ आइटम्स मिसिंग हैं जो यहाँ नहीं, वो बड़े सुपर स्टोर में मिलेंगे, तो वहाँ चल के ले लेते हैं। मस्जिद से निकल के अब तेज तेज जाना पड़ेगा, एक मेरी मीटिंग भी है 4:30 बजे के करीब ना, तो ग्रॉसरी ले लेंगे। और रस्ते में एक कोई नया मैंने देखा रेस्टोरेंट खुला है इसी रोड पर, मस्जिद वाले रोड पर जहाँ पर स्पाइस फ्यूजन है उसके पास, एक प्लाजा पहले इसके अगले प्लाजे में स्पाइस फ्यूजन है जहाँ से हम लेते रहते हैं खाना। इस प्लाजे में है कबाबीश करके कोई नया ना, उधर चेकआउट करें। पूछे तो सही कि भाई आप लोगों के पास स्लॉटेड गोश्त यूज होता है या मशीन स्लॉटेड, जो यहाँ पे पंगा ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना गड्ढा में, तो वो हम चेक करें कि इनकी सप्लाईज जो है ना, उसका जो गोश्त है चिकन बीफ लैम, वो हाथ से ज़िबा हुआ हुआ होना चाहिए, ना कि मशीन से, जिसका मैं पहले भी बता चुका हूँ यहाँ पे बहुत बड़ा पंगा है कि बड़े पैमाने पे थ्रू आउट कैनेडा मशीन स्लॉटर, मतलब मशीन में टेप रिकॉर्डर चल रहा होता है बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर और वो मशीन काट रही होती है गोश्त, तो वो सही से हलाल नहीं होता, वो चल रहा है यहाँ पर मार्केट में। तो ये है वो जगह कबाबिश कढ़ाई एंड बारबेक्यू, इसकी चेक करते हैं हम सप्लाई चेन क्या है। सीटिंग एरिया तो टाइट है, बफे वगैरह का भी सिस्टम लग रहा है और मेन्यू भी इनका बड़ा ठीक ठाक आइटम्स वाला है। वो मान गए कि मैं आपको चेक करा देता हूँ कि हमारे हैंड स्लॉट अच्छा कनेक्टेड है। ये माशाल्लाह सार्जेंट फॉर्म जो कि हैंड स्लॉट चिकन सप्लायर है, परफेक्ट माशाल्लाह। और लैम्प वगैरह वो उसका ये हमारा वो मीट सेक्शन। अच्छा, अच्छा। हैंड स्लॉटेड है सारा, दैट्स गुड। तो ये आप ओनर हैं यहाँ पे? अच्छा, ये ओनर है यहाँ पे, ये बता रहे हैं सारा हैंड स्लॉटेड, हैंड स्लॉटेड है। चिकन सप्लाई सार्जेंट फार्म से आती है जो कि HMA सप्लायर है, अप्रूव्ड हैंड स्लॉटेड ही चिकन है सारी, तो विच इज़ गुड, गुड टू नो माशाल्लाह। अच्छा, ये ग्रॉसरी शॉप है और कनेक्टेड है वो जो कबाबिश है ना, तो वो हम फिर आते जाते चेकआउट करेंगे। सर्टिफिकेट भी है HMA, दिस इज गुड। हाँ, ये HMA का नहीं लगा हुआ, ये वाला ये जो स्टैंप है, ये हैंड प्रोडक्ट चिकन है कैनेडा में माशाल्लाह। सही ठीक ठाक सूरज निकला हुआ माशाल्लाह। चलें, यहाँ से मैंने पता कर लिया खालिद साहब थे अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने कंफर्म किया है ओनर हैं वो कबाबिश कढ़ाई और इसके, कह रहे हैं हैंड स्लॉटेड ही हम करते हैं, लैम और इनवॉइस वगैरह दिखाई है वहाँ, तो माशाल्लाह कंफर्म हो गया। ये कनेक्टेड है ये कबाबिश रेस्टोरेंट और अल करीम ग्रॉसर्स, इसके बीच में दरवाज़ा भी है। अल करीम में इनके वो मीट शॉप भी है और ये है कबाबिश। मैंने पूछा भाई डेली डील्स आपके पास कुछ होती हैं,
तो कह रहे हैं कि फेसबुक पे ऐड कर लें आप हमें कबाबिश, तो वहाँ पे मंडे टू फ्राइडे की डेली डील्स आती रहती हैं और तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा का दूध है जो यहाँ पे मिलता है। अब जाएंगे किड्स के सेक्शन में। ये आ गया दूध, ये यूके का है जिसके अंदर हलाल सर्टिफिकेशन मौजूद है, तो ये वाले हम लेंगे सिमिलैक। नेस्ले वालों की प्रोडक्शन में ना कुछ पोर्क से रिलेटेड ये यूज़ करते हैं, तो ये $167 का आ गया भाई सामान माशाल्लाह। ये भी ट्रॉली पार्क, डिग्गी बंद तो कर देते हैं। ये चीज मिल गया, 13 मिनट रह गए मगरिब होने में, सूरज जाता जा रहा है और हमें 13 मिनट में मेन स्ट्रीट पे से समोसे की ट्रेज उठानी है और मस्जिद में डिलीवर करनी है ताकि मगरिब की नमाज के बाद जो बयान वगैरह होगा ना उसमें स्नैक के तौर पर समोसे इस्तेमाल होंगे, तो वो हमें पहुंचाने हैं। हम उसी की रेस लगा के अभी जा रहे हैं सुभानअल्लाह। तो आपको यहाँ के समोसे चेक कराते हैं कैसे नजर आते हैं अगर हमें मौका मिला तो। ये है भाई बॉम्बे ग्रिल जहां से हम उठाएंगे समोसे, नजारा कर ही लेते हैं। मैंने सोचा दुकान का ना वेलकम टू बॉम्बे ग्रिल। अच्छा, ये स्वीट्स और सेवरीज की शॉप लग रही है मुझे, ये मिठाइयां और समोसे वगैरह होंगे इधर। सीट के ऊपर ही आ गया। हाँ ठीक है, यार सॉक्स नहीं चाहिए, सॉक्स नहीं चाहिए। तो कर लें जरा, हीट आ रही है भाई सुभानअल्लाह। बिस्मिल्लाह, क्या बन है, चूल्हा बंद कर दें क्योंकि क्या बन चुका है भाई देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कोरमा बना है बीफ का, बचिया का कोरमा भाई, बचिया के शोल्डर का, व्हील शोल्डर कोरमा। जी बेटा दे रहे हैं, देखते हैं जरा कोश कितना पहले। भूख लगी है आपको, ये चेक करें। हलवा हो गया, हलवा हलवा हो गया भाई, वेरी गुड वेरी गुड। बिस्मिल्लाह अला बरकतिल्लाह माशाल्लाह। कुलचा नान के साथ पहले मैं सोच रहा हूँ बच्चों को ना निपटा देते हैं, क्यों बीफ मैंने निकाली है, बोटियाँ मिर्चें इंशाल्लाह ज़्यादा नहीं होंगी इतनी। जी जी आपको भी देते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, गरम है बिस्मिल्लाह, गरम है मज़ेदार बिस्मिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह भाई। बीफ जो है ना बहुत ही टाइट चीज़ है एंड लाजमी होना चाहिए डाइट का हिस्सा ये है। बिस्मिल्लाह, गरम है बहुत। बिस्मिल्लाह, बहुत बहुत आला है, आपको नहीं दे सकते आप सिर्फ दूध पिएंगी हैं। हाँ दिया माशाअल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। बिस्मिल्लाह वाले बच्चों ने खा लिया, अब मैं लाओ मैं खोल के दूँ, फिर तुम लोग ये खजूर के पीछे पड़ गए तो मेरे को खजूर खोल के दे देते हैं। लीजिए और गुटली फेंक देना बेटा, मिज्जोल है मिज्जोल खजूर। हाँ जाओ जाओ, हाँ खोलो खाओ, अब मैं खाने लगूँ खाना। बिस्मिल्लाह वाले बरकतुल्लाह, चेक करें यार कौन सी बोटी लूँ। ओह उंगली से ही नरम टूट रही है। बिस्मिल्लाह वाले बरकतुल्लाह, पहले वो मैं जोल तो खा लूँ बेटा, चेक तो करें यार कैसे। बिस्मिल्लाह वाले बरकतुल्लाह, मजे लो। आदिया ने ठान लिया था कि आज अब्बा को खाना खाने नहीं देना, मगर
उनको हमने जब उनका खाना दिया ना तो अब इन्होंने इजाज़त दे दी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने मवेशी और चरवाहे बनाए उनका गोश्त सुभान अल्लाह, उससे हम लुत्फ उठाते हैं ऐसे। मुझे शान का मसाला यूज़ किया तो वो लाइट है, बच्चों ने भी आराम से खाया, तबीयत से फोड़ा है, ये बनिया माशाल्लाह। और फाइनली रात के बज गए हैं 10:45 और हम निकल गए हैं ईशा की नमाज़ पढ़ने। तो खाना पीना हम दिखाते हैं, फूड व्लॉगिंग करते हैं, मगर साथ साथ 6 किलोमीटर वॉक भी होती है हमारी ऑन एंड ऑफ, और साथ में बैडमिंटन भी खेलेंगे अभी ईशा की नमाज़ के बाद। बैडमिंटन का सामान मैंने पीछे रख लिया है क्योंकि एक्टिव लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है खाने पीने के साथ साथ। ईशा की नमाज़ जमात के साथ एकदम बड़ी कन्वीनियंट हो जाता है खाना। ये है भाई हमारा हैप्पी हैप्पी फ्राइडे जो हम कनाडा में गुजार रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा आज की जो टास्क हमने निकले, जुम्मे की नमाज़ पढ़ के ग्रॉसरी श्रॉसरी की छोटी मोटी वो करके हम निकल अब घर जाएंगे, एसी में जाके थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे, गर्मी जो है ना वो हो रही है कमर तोड़। सुभान आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। गाड़ी के पीछे ये मैसेज है, जीसस लव्स यू, अगर आप एक अल्लाह को मानते हैं तो, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं तो, अदरवाइज जीसस जब आएंगे ना तो बताएंगे फिर।